मेरे मेरे ऊपर तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, पर 50,000 रुपए में गलत को गलत बोलना है मुझे, जो गलत है वो गलत है। मेरा रिफंड के लिए मेरे को जूम मीटिंग में बुलाया है, हैरान हो रहे हैं तुम्हारे गुरप्रीत ने और मुकुल ने, और मेरे को साला ब्लैकमेल कर रहे हैं वहाँ पे, मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, मुझे झूठ बोलो तुम, काय का झूठ बोलूं मैं, मेरे को 7 महीने हो गए तुमसे भीख मांगते मांगते, मैंने जैसे पैसा दिया वैसा पैसा दे देना, तुम सबकी बड़ा बिजनेस की धज्जा उड़ा दूंगा, नहीं तुम्हें समझ लेना ये बात, कान खोल के सुन लेना। जब मैं 26 साल का था तब मैं एक कंपनी में काम करता था, सैलरी ठीक ठाक थी और फैमिली भी ठीक से चल रही थी। कुछ साल उस कंपनी में काम करने के बाद एक दिन अचानक से मुझे उस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद मैं बहुत से कंपनियों में जॉब ढूंढा पर कुछ नहीं हुआ, मैं डिप्रेशन में चला गया था। फिर मैं अपने मन को शांत करने के लिए इस्कॉन चला गया, वहाँ मैंने भागवत गीता को पढ़ा और मेरे सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होने लगे। मैंने खुद का बिजनेस करने का मन बना लिया और लोगों को मेरे साथ काम करने के लिए मोटिवेट किया। मैंने लोगों को सिखाया कि कैसे आप भागवत गीता से अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को मिटा सकते हो, और फिर धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे और आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस बना चुका हूँ। Hey, welcome everybody. मैं हूं डॉक्टर विवेक लिंद्रा, डीमोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ छोटाबिजनेस.com, आपके बिजनेस क्या लगा देने वाला। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे एमसीबीसी बनकर महीने के लाखों कमा सकते हैं। Hey, come on, one more time. आज मैं आपको चुतिया काटने वाला हूं। दिसंबर 11 संदीप महेश्वरी के चैनल में एक वीडियो अपलोड हुआ जिसमें कुछ लोग एक ऑनलाइन फेक गुरु की एक फेक बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हैं। उसमें किसी भी बिजनेस गुरु का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन कैसे उसने करोड़ों रुपए लोगों से लूटा है और कैसे वो भी इस खेल का हिस्सा है, वो सारी चीजें शॉर्ट में बताते हैं। फिर कुछ आवर बाद संदीप महेश्वरी एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि उनके टीम पर प्रेशर बनाया जा रहा है उस वीडियो को डिलीट करने की, लेकिन हम इस वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि अगर लोगों के साथ स्कैम हुआ है तो इस न्यूज को हम पूरी दुनिया के पास रखेंगे और इस सोसाइटी को आप जैसे लोगों से बचाएंगे। और वो ये भी लिखते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ इस देश की जनता है। फिर मैं उनके कमेंट सेक्शन को देखता हूं तो पता चलता है कि ये कंट्रोवर्सी और बढ़ने वाली है। फिर मैं कुछ प्रूफ्स के साथ रिसर्च करके ये वीडियो बनाता हूँ, इसलिए किसी को भी हेड देने से पहले वीडियो को पूरा देखें ताकि आप और आपकी फैमिली ऐसे स्कैम से दूर रहे। विवेक लिंद्रा की आप इंटरव्यू देखो तो उनके हिसाब से वो पहले एक मॉन्क थे और उनके गुरु से उन्होंने गीता का ज्ञान लिया और वो भी बिजनेस का ज्ञान। फिर वो सोचे कि वो इस ज्ञान का क्या करेंगे, फिर उनके गुरु ने बोला कि इसे पूरे दुनिया में फैलाओ। लेकिन क्या कोई आदमी सिर्फ गीता पढ़कर व्यापारी बन सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने और रिसर्च किया तो पता चला विवेक लिंद्रा ने बीबीए किया है सेंट जेवियर दिल्ली से और एमबीए किया है एमिटी यूनिवर्सिटी से और उसके बाद कोलंबो के ओआईयूएम यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। स्टार्टिंग में विवेक लिंद्रा दूसरी कंपनीज में कॉर्पोरेट और बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, मतलब दूसरी कंपनीज उन्हें हायर करती थी और वो वहां जाकर सेमिनार किया करते थे। ये चीज वो आज भी अपने कंपनी के लिए करते हैं। उस सेमिनार में क्या होता होगा, इन सब सेमिनार में लोगों को इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाई जाती है, मोटिवेट किया जाता है और लास्ट में एक कोर्स चिपकाया जाता है। विवेक लिंद्रा बिजनेस को ग्रो करने में मदद किया करते थे, वे लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते थे और उन्हें स्टडी कर उसका सॉल्यूशन देते थे, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, जिस कारण उनका ये बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। इसी बीच धीरे धीरे वो यूट्यूब पर भी आ गए और उनके बिजनेस केस स्टडीज वीडियोस भी काफी पसंद किए जाने लगे। फिर उन्होंने कंटिन्यूअसली यूट्यूब पर काम किया और 2017 में ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने अपने ब्रांड छोटा बिजनेस के बारे में लोगों को बताया। अब यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, उनको लोग जानने लगे थे, इनकम भी तगड़ी हो रही थी और दिक्कत अब आने वाली थी। अब वो कुछ कोर्सेज बनाकर बेचने लगे जो कि काफी अफोर्डेबल हुआ करता था, लेकिन प्रॉब्लम तो तब हुआ जब वो दावा करने लगे कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करो, आपको एमबीए करने की जरूरत नहीं है, इस कोर्स के कंप्लीट होते ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आप इंटरव्यू देकर जॉब या बिजनेस कर सकते हो। अब उस सर्टिफिकेट में ऐसा क्या है, छोटा बिजनेस कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, क्या है जो उसका सर्टिफिकेट लेकर आपको जॉब मिल जाएगा? लेकिन फिर भी लोग उन पर विश्वास किए, उनके सारे कोर्सेज खरीदने लगे, लेकिन फिर बाद में लोगों को पता चला कि इसमें कुछ है ही नहीं, ये सारी चीजें यूट्यूब पर तो ऑलरेडी है। जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा फ्री में सीख सकते हैं YouTube पे, उससे अच्छे 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 कोर्स हैं, उससे अच्छे अच्छे मैं तो कहूंगा। इन सब को देखकर विवेक लिंद्रा ने और एक बिजनेस मॉडल लाया, MCBC। इसमें लोगों को उनका ही कोर्स बेचना होता है, जैसे आप कोई कोर्स बेचते हो तो आपको कमीशन मिल जाएगा और अगर जिसको बेचे थे वो किसी और को बेच देता है तब भी आपको कमीशन मिलेगा और जितना भी आगे सेल होते रहेगा आपकी जेब में पैसा आते रहेगा। ये बिल्कुल एक MLM ही तो है। इससे पहले भी लोग इन पर वीडियोस बना चुके हैं लेकिन उनकी टीम लीगल एक्शन लेकर उन वीडियोस को टेक डाउन करा देती है, इसीलिए मैं विवेक लिंद्रा और छोटा बिजनेस का नाम ऐसे ले रहा हूं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सुनाने जा रहा हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। लोग जब रिफंड की मांग करते हैं तो उन्हें ऐसे कॉल आते हैं लिंद्रा की टीम की तरफ से। मानसी बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस हेड ऑफिस से, कैसे हैं? बढ़िया।
सर, मैंने आपको जो कॉल किया है ये व्हाट्सएप ग्रुप के रिगार्डिंग किया है। व्हाट्सएप पे ग्रुप है जो कि एक नेगेटिव ग्रुप है, ग्रुप आपका नंबर भी ऐड हो रखा है। मैं जान सकता हूँ तो ग्रुप आपने खुद से ज्वाइन किया है या आपको किसी ने ऐड किया है ग्रुप में? नहीं जान सकते जी, नहीं जान सकते, मुझे नहीं बताना कुछ, आप अपना बताइए, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। अगर आप नहीं बताना चाहते तो केस आगे कैसे बढ़ेगा सर? बात करके सॉर्ट प्रॉब्लम हो सकती है सारी चीजें। क्या सॉर्ट आउट करेंगे बताइए आप सर? मुझे प्रॉब्लम बताओगे तभी तो मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रुप ज्वाइन करने से आपको रिफंड मिल जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है सर। ना मिले रिफंड मेरे को कौन सा, तुम मेरे क्या ले जाओगे बता, मेरा कौन सा पहाड़ तोड़ दोगे या बहन, मेरे ऊपर तुमने मेरी जिंदगी छीन ली बस 50,000 रुपए में। गलत को गलत बोलना है मुझे, जो गलत है वो गलत है, मुझे अपने पैसों की नहीं परवाह नहीं है, मुझे और लोगों को बचाना है बस। हाँ समाज सेवा टाइप कर रहे हैं, समाज सेवा बिल्कुल, समाज सेवा ठीक है। हाँ ठीक है सर, कोई इशू नहीं सर, नहीं रिफंड चाहिए आपको। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ बड़ा बिजनेस, कौन बात कर रहे हैं? रोहित बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस। हाँ बताओ सर, बताइए। मैंने आपको जो कॉल किया है ये ग्रुप के रिगार्डिंग किया है, जो कि व्हाट्सएप का एक्टिवेट है। बड़ा बिजनेस स्कैम करते हैं जिसमें आपका भी नंबर ऐड। व्हाट्सएप स्कैम में रहूंगा, बिजनेस आईबीसी विक्टिम्स में रहूंगा, फेसबुक पे मैंने पेज बना रखे है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ में, और YouTube में डाल रखा उनकी पत्नी का वीडियो। तुम्हारा जो करना हो कर लेना, मेरा पैसा नहीं दोगे तब तक मैं ऐसी की तैसी करता रहूंगा तुम लोगों की। और बोलो, मेरा रिफंड के लिए मेरे को जूम मीटिंग में बुलाया इन हराम खोरों ने, तुम्हारे गुरप्रीत ने और मुकुल ने, और मेरे को साला ब्लैकमेल कर रहे हैं वहां पे, मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, मुझे झूठ बोलो तुम, काय का झूठ बोलूं मैं? मेरे को 7 महीने हो गए तुमसे भीख मांगते मांगते, मैंने जैसे पैसा दिया वैसा पैसा दे देना, तुम सबकी बड़ा बिजनेस की धज्जा उड़ा दूंगा, नहीं तुम्हें समझ लेना ये बात, कान खोल के सुन लेना, और आज के बाद ये ग्रुप से संबंधित कॉल मत करना मेरे को, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बात की ऐसी की तैसी, बात नहीं करना मुझे, रिफंड में बात करो ओनली। मेरे को चाहिए, मिस कमिटमेंट किया, धोखेबाज है तुम्हारी कंपनी, ये मैं चैलेंज कर दूंगा, मैं पूरे न्यूज में निकाल दूंगा इसको, अभी मैंने एमपी में निकाला, अभी राजस्थान में भी निकालूंगा मैं, और टीवी पे भी दूंगा इसको मैं, बोल देना तुम्हारा उस विवेक बिंद्रा से। ग्रुप बना है, एक दो ग्रुप बने हैं जिनके बड़ा बिजनेस स्कैम नाम से, जिसमें आपका नंबर भी ऐड हो रखा है, आपके बड़ा बिजनेस को डिपेंड। उनका पैसा उन्हें रिफंड मिलेगा कि नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता, बट आप ऐसे कोर्सेज में कभी मत फंसना। जब तक YouTube पर फ्री में ज्ञान मिल रहा है ले लो, लेकिन किसी पेड कोर्सेज में नहीं फंसना है। इसे और डिटेल्स में जानने के लिए राइट वाली वीडियो को देखना मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।